HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। रांची के लालपुर बाजार में सुपरमार्केट में फूड अड्डा का उद्घाटन डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने किया। फूड अड्डा में छात्रों और आम लोगों के लिए लजीज फूड कम कीमत पर उपलब्ध है। छात्रों में इसके खुलने पर काफी उत्साह दिखा गया। देखिए, स्टार्टअप की दुनिया है। मोदी जी चाहते हैं कि स्टार्टअप हो, MSME का बढ़ावा हो, और ये फूड अड्डा खोल करके मैं अनुभव को बहुत ही बधाई दूंगा और पूरे फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बधाई दूंगा। हम पूरे टीम को हम लोग लेके आए हैं अनुभव को बधाई देने के लिए, इनकी पूरी टीम को बधाई देने के लिए। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और यहाँ फूड अड्डा जो है, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए हाइजीनिक और बहुत किफ़ायती और प्योर चीज़ मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में कि अच्छा सामान, अच्छा दुकान और किफ़ायती दाम ये हो, तो मैं कहीं नहीं इसमें अतिशयोक्ति होगी कि इसमें कहीं भी दुकान को चलने में या चलाने में या अपने मशहूर होने में कहीं भी इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं अनुभव को बहुत बधाई, धन्यवाद और आशीर्वाद भी देता हूँ। तो कहने के लिए नहीं, शुभकामना दूंगा फूड अड्डा खोल के। अनुभव जी और उनकी पूरी टीम ने लालपुर चौक को जिंदा करने का काम किया। ये मार्केट जो है बहुत पुराना मार्केट है और जिस तरह से लालपुर क्षेत्र कॉमर्शियली बढ़ा, मुझे लगता है कि इस तरह के लोकेशन की आवश्यकता यहाँ के लोगों को थी। यहाँ आप देखेंगे आसपास हॉस्टल्स की बहुत संख्या हो गई, बाहर के बच्चे आसपास के मोहल्ले में रह रहे हैं और सबको कहीं ना कहीं एक अच्छा सेंटर चाहिए रहता है जहाँ खाना अच्छा मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फूड अड्डा के माध्यम से जो लोगों की आवश्यकता ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी होगी और लालपुर क्षेत्र पहले भी कमर्शियली बहुत ग्रो किया है और फूड अड्डा के बाद भी मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरी ओर से खूब ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये होटल इस पूरे क्षेत्र को जो डिमांड है वो पूरा करेगा। सर, अपना मोटो है फूड अड्डा का पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जोन है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हाई बजट होता नहीं है, तो हमारा जो ये आउटलेट है ये पॉकेट फ्रेंडली आउटलेट है। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स के पॉकेट को ये अलाउ करेगा, बहुत महंगा नहीं है। हम लोग चीफेस्ट साइड में, तो हम लोगों ने इंडियन, चाइनीज़ और तंदूर का रखा है। बहुत अच्छा। मैम एक्चुअली क्या कि बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट देख के हम लोगों ने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी सोचना होता था, अगर कभी बाहर खाना हो तो एक बार पहले थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ता था कि भाई महीने का बजट ही ना जाए। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नॉर्मली होता है। इतने प्राइम लोकेशन पे आपने शुरू किया है, क्या कुछ चैलेंजेस आपके यहाँ पे फेस करना पड़ेगा? यहाँ पे वैसा कोई चैलेंज मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे है, क्योंकि अपना जो मेरा USP है पॉकेट फ्रेंडली, तो हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन या मेरे को फेस करना है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।